हेलो फ्रेंड्स, मैं विजित चौहान एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। पर आज हम बात फिर दोबारा करेंगे कोरोना वायरस की। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भीड़ में चलने की आदत पड़ी है तुमको, चुगली करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले झंडा उठा के चुनाव की बातें करते थे, फिर सट्टा लगाने के लिए आईपीएल की बातें, और अब इस कोरोना वायरस की। मीडिया वाले चिल्लाकर बोल रहे हैं बाहर मत जाओ, लेकिन तुम्हें बाहर जाना है, मरो सब मरो। इटली का प्रधानमंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे, लेकिन हम क्यों सीखें, क्या होगा। अरे कोरोना वायरस तो है, छोटी सी बात है, हमको कैसे हो सकता है। राशन भर लेता हूँ फिर नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, सिगरेट खत्म हो गई है बाहर जाना है। और जैसे कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल डिक्लेयर किया कि हमें अगले 21 दिन तक नेशन वाइड लॉकडाउन के दायरे में रहना पड़ेगा और 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया पूरे भारतवर्ष में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी जो अपने नेशन के संदेश में बोला था, संबोधन में बात की कि ये हर व्यक्ति की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका दायित्व है कि वो इस लॉकडाउन का पूरी पूरी तरह पालन करें। जैसा कि हमने जनता कर्फ्यू के टाइम भी देखा कि लोगों ने कोशिश की अपने घरों में रहने की, जी हाँ, पर कुछ महानुभाव भारत में अब भी मौजूद हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो उन महान भावों के लिए खास तौर से है, और मैं चाहूंगा कि मेरा ये वीडियो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें और लोगों तक फैलाएं ताकि उन महान भावों तक पहुंचे। जो शाम को 5 बजे जब ये बोला गया कि हेल्थ केयर वर्कर्स और पुलिस कर्मियों के लिए आप क्लैपिंग करें, थाली बजाएं, घंटी बजाएं, सड़कों पर उतर आए जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। क्या सोचते हैं ऐसे लोग, क्या उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है जो वो बाहर निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा कि कल हम संबोधन के दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार अपने हाथ जोड़े। क्या मिलेगा उस इंसान को हाथ जोड़ने से, क्यों वो हमारी इतनी फिक्र कर रहा है। मोदी साहब कोरोना वायरस की चेन तोड़ना चाहते हैं, भारत बंद करके लॉकडाउन करके कोरोना वायरस खत्म करना चाहते हैं, कौन समझा उनकी बात को। सब साले अनपढ़ जिंदा लाशें हैं, किसे जगाएंगे वो। मैं जाग गया, परिवार के साथ टाइम बिता रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन तुम्हारे परिवार के लिए रोना बन जाएगी। ये देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, आर्मी वाले रात दिन अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें। हाँ, कुछ लोग जो उनके खिलाफ है झूठ बोलेंगे कि वो नहीं चाहते भारत का नाम खराब हो, वो गवर्नमेंट का नाम खराब हो, पर क्या आपने कभी किसी भी नेता को ऐसे करते हुए देखा था। जी हाँ, आपने देखा जरूर होगा जब इलेक्शन का टाइम होगा, जब आपके घर पे वोट मांगने आए होंगे, आपसे गुजारिश की होगी कि हमें वोट दें, हमारी पार्टी को वोट दें, बट किसी भी नेता ने हमारी भलाई के लिए ऐसे हाथ नहीं जोड़े होंगे। उन्होंने हम सबकी भलाई के लिए, हमारे परिवार की भलाई के लिए इस लॉकडाउन को घोषित किया है ताकि हम लोग अपने घरों में आने वाले टाइम में, हमारी जनरेशन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रह सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। पर उन महान भावों का क्या जो अब भी बाहर घूम रहे हैं। आज भी मैंने कुछ वीडियोस देखे जिनके कुछ छोटे छोटे अंश मैं इस वीडियो में भी डालूंगा, जहां पर लोग बाहर निकल रहे हैं, सेल्फियां खींच रहे हैं। जी हाँ, पंजाब पुलिस तो उठक बैठक भी करवा रही है जो लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्या वो भूल गए हैं इस वायरस से कितनी जाने गई हैं। जैसा कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया कि फर्स्ट 7 डेज में 1 लाख केस थे पूरे विश्व में, पर अगले 11 दिनों में 1 लाख और केसेस आ गए। तो आप समझ पा रहे हैं इसकी गंभीरता की, कितनी तेजी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जी हाँ, और मैंने जैसे हर वीडियो में बोला है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम सेकेंड हैं। अगर यहाँ पर इसका संक्रमण नहीं रोका गया तो हम स्टेज 3 में डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे और फिर इस संक्रमण को कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं फिर से आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमें
अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है, हमें इस लॉकडाउन का पूरा पूरा सहयोग देना है और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करना है। आपकी फैमिली जो आपसे दूर बैठी हुई है उनको भी ये बोलना है कि वो घर में बैठें, केवल जरूरी कामों के लिए बाहर निकलें, जरूरी सामान के लिए बाहर निकलें। हाँ, मेरा एक और निवेदन रहेगा आपसे, ये पिस्सू जैसा वायरस COVID-19 आने वाले कल में शायद अपने आप को हिंदुस्तान में कहीं ढूंढ नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाए तो तुझे एक महीने में भागना पड़ेगा। लॉकडाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो ये कैसे भागता है। लेकिन तुम ये काम करोगे नहीं, कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दों को देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे वायरस फैलाना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं शाइनबाग, मैं कश्मीरी, एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था WHO की वेबसाइट पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ, पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूँ इन लापरवाह लोगों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या हा? लेकिन भैया हम तो बाहर घूमेंगे, है ना, घूमो भाई, जिसको बाहर घूमना है घूमो, मैं तो अपने परिवार साथ अंदर रहूंगा।